तो घूम जाओ भाई, घूम जाओ भाई। एवरीवन कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम एक पेशेंट को इंजेक्शन देने वाले हैं, मस्कुलर इंजेक्शन देंगे। एक्चुअली उनके हुआ क्या था कि वो कुछ शायद रिक्शा वगैरह पलट गया था, तो उनके रिब्स में काफ़ी भयानक चोट थी, यहाँ पे चोट लग गई है। तो उनके हम इंजेक्शन देंगे और कैसे सही तरीके से दिया जाता है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी, उनको जाके देखिए, सीखिए और कब कहाँ पर कौन सी दवा देनी चाहिए, कब कहाँ पर कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने मेन चैनल में बताता हूँ। तो उनको जाकर ही देखिए, उसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जो आपके सबके काम के आएंगे। तो उन वीडियोस को भी जाकर के अपने यार दोस्तों, प्यार परिवार सबको शेयर करिए। बाकी चलिए पेशेंट को दिखाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पेन है। 4-5 दिनों बाद आए हैं मेरे पास, पहले कहीं और मेडिकेशन करा रहे थे क्योंकि इनको पिछली बार इनके जॉइंट पेन रहता था, तो मैंने ठीक किया था। तो अब आई है मेरे पास, तो उम्मीद है कि मैं ठीक कर दूंगा। तो इंजेक्शन कैसे देते हैं इस वीडियो में हम सही तरीके से देखेंगे, कैसे डूज एंड डोंट्स अप्लाई करके और कौन सा क्या इंजेक्शन देते हैं। तो मैं इन्हें देने जा रहा हूँ 3 ml का डाइक्लोफिनेक सोडियम का इंजेक्शन दूंगा, क्योंकि पेन ज़्यादा है। तो हम और इनके रिक्स में यहाँ भी चोट है, क्योंकि रिक्शा था जो ऐसे पलट गया था, तो उसे हम कैसे देते हैं चलिए पेशेंट को दिखाते हैं। मुझे कहाँ था दिन राम कहा था दिन में राम तो किया राम का जा दिया था राम का दिन राम दवाई इलाज में कुछ नहीं हाँ भाई दवाई इलाज में पास ही है वह उसका ये हाल घूमा करा के चंपा हो गया तो कहाँ था ना कि ना उसको उसका था लेट जाओ कौनो कहीं लगे लेट जाओ ना तुम रुको तुम लेटर नहीं बन सकता बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल दर्द बहुत दिन से रहा तुम अच्छा पान दे हाँ तो घूम जाओ भाई घूम जाओ सांस लेने भी तकलीफ होती क्या? हाँ होगा करा। अरे वही दर्द के मारे हो तो ही ना। ठीक उठ जाओ आओ आगे उठ के